जीजू भी आ रहे हैं अगले महीने, तो ये लोग फिर अच्छा गुजरात अच्छा जाएंगे। हाँ बेटा, तेरा काला लंड जिसको तू पाकिस्तानी औरत को दिखा रहा था ना, वीडियो आ चुका है मेरे पास। क्या होगा फिर, क्या होगा? स्नेह जी के साथ तुम दोनों आपस में क्या क्या करते थे, तुमने खुद ही बोला था ना फोन पे, आई हैव रिकॉर्डिंग। शेरनी स्नेह जी मुझे दिखाते थे, मैं उसको दिखाता था। कब तक लेगा पंगा बे कुत्ते भोसड़ी के, अपना चिप्स बेच लेना। तुझे कोई पूरे इंस्टाग्राम में शेरनी के अलावा कोई मिलता नहीं है क्या भोसड़ी? कितनी बार मरेगा मेरे हाथों, कितनी बार भिगो भिगो फेंका बे तुझे कुत्ते मैंने। हैं, कोई नया शिकार ढूंढ शेरनी जैसा दबंग लेडी कोई। मैं मादर चोद हूँ, मैं जितना भी घटिया हूँ भैया, तो भैया तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपना भोसड़ा इस गंदे मुंह वाले के सामने क्यों खोला? ऐसी तो क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम्हें भोसड़ा खोल के पानी निकाल के दिखाना पड़ा? भाई कुछ तो टैलेंट होगा ना बंदे में, कुछ तो टैलेंट होगा। सच बताओ भाई, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? सब लोग सच बताओ, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि बंदे में कुछ टैलेंट है? कि बहन चो चूत मेरे पीछे पीछे भगी आती है। एक ने तो आज ही प्रूफ दे दिया कि मैंने दिखाया था पनौड़ी को भोसड़ा। भोसड़ा देख के भाग गया भाई वो तो। भाई मैंने देखा है भाई, मैंने मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ बहन के लौड़ो। एक मिनट भागना पड़ेगा भोसड़ा देख के। भोसड़ा खोल के दिखा दिया भैया, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि हमने तो भोसड़े का पूरा दर्शन किया, अंदर जाके किया, हमने तो भोसड़े में जाके पानी भी पी लिया, पानी का टेस्ट भी कर। कहाँ मना कर रहा हूँ किसी चीज का भाई, मैं तो गांड पे नाम भी लिखने वाला। वो पनौड़ी को मेरी गांड पे नाम लिखना था, फिर मेरी गांड लेनी थी, तो भैया हम तो रेडी है भाई, हम तो गांड मरवा भी लेते हैं टाइम पे और गांड मार भी। तो मैं हमने अपने चटवा के फेंक रखा है, चाहे वो मुंबई की रंडी हो और चाहे वो अमेरिका का काला लंड हो, सबको चटवा के फेंक रखा है। नमकीन पानी मजा आता ना चाटने में, चटवा के फेंक रखा है। वो पोछड़ी के कितनी बार चाटेगा और कितनी बार चाटेगी बे रंडी तू? हैं, मेरे से पूछ के भी जाट का भरोसा था। हाँ, जाट का लंड पसंद आता ना, लंड मस्त लंड है, 17 साल लिए थे जाट का लंड। मेरे को तो तू शिकायत करती थी, देख मलाइका सब लोग मुझे गाली देते। हाँ तू अगर राइट होती बहन की लौड़ी, तो मैं आज तुझे बैठ के गाली देती। तू हर घड़ी तो सबको गालियां बकती है। हाँ और कोई तुझे गाली बक दे तो तू रोना लगती है। देखो गाइस मेरी आंख सूज गई, मेरी आंखों में खून नहीं है। क्यों बोल? कि तू रंडी, तेरी औकात नहीं है कि मैं खून निकालू, समझी? मारू मैं नेपाल की बड़ी कुंडू बकुंडू हाउस में बस गई है। अब वो आदमी मर गया उसका, हाँ अब पता नहीं कौन था, जो भी मर गया बेचारा, हाँ अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। मैं तो बोलती हूँ वो अच्छे थे बुरे थे आई डोंट नो, लेकिन उनको अल्लाह बोलते ना उनके गुनाहों को माफ करे, उनको जन्नत नसीब करे, उनको वो दुनिया में स्वर्ग में जाए वो। ये रंडी के लिए उसके आदमी को गाली क्यों दूं मैं? हाँ वो तो अच्छा आदमी था, इसलिए इस रंडी को बिया बिया किया या रखेल बना के रखा, मुझे क्या पता यार। मुझे तो 6 महीना हुआ और रंडी तो 4 साल से इधर बज रही है बहन की लौड़ी। हाँ मेरे हाथ में होता तेरे को ना, तू जो आईडी में आती मैं तेरी वो आईडी बैंड करवा देती। बैंड कराओ रे इसको, बैंड कराओ रे इसको, थोड़ी सी तो गंदगी साफ होगी। हाँ बैंड कराओ इस रंडी को।
दिल्ली वाले को बोली, एनसीआर वाले को बोली, अबे कौन अच्छी औरत आके मेरे साथ बैठ के गाली गलौज करेगी, वो तो बता। एक औरत को भेज तू, एक औरत को भेज और वो औरत बोल दे कि मलाइका गंदी है, बुला रंडी आर डी, बुला बुला आर डी, बुला मेरे सामने, कोई भी अच्छी औरत मेरे साथ बैठ के गाली गलौज करेगी? नहीं करेगी। हाँ, छिनाल रंडी हमारी औरतों को बोलेगी, कंपेयर करेगी हमारी औरतें।